Question is, how many orbitals can have the following set of quantum numbers? ठीक है, अब क्वांटम नंबर्स क्या हैं? क्वांटम नंबर्स एक सेट ऑफ नंबर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट एड्रेस बताता है. इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट एड्रेस हमें बताता है, एक सेट ऑफ नंबर है. ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ करके, तो वो हमें क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताता है. अब ये ऑर्बिटल क्या है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स वो चीज़ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में रिजाइड करता है. इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रिजाइड, तो एटम के अंदर जो हम शेल पढ़ते हैं, ठीक है, उस शेल के अंदर फिर से डिवीजन होती है सब शेल की. पहले हमारे पास शेल होते हैं, फिर ये डिवाइड होते हैं इनटू सब शेल, सब शेल फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू ऑर्बिटल्स. तो ये वो रीज़न है, एरिया या स्पेस इन द न्यू एटम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में रिजाइड करता है. ओके, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है. अब उसने कहा कि ये आपको सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दिया है, अब बताओ कि कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं. चलो देखते हैं. अभी हमने क्या कहा, जो हमने सीखा है अभी, कि हमारे पास न्यूक्लियस होता है, फिर हमारे पास फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल होते हैं एज ए के एल एम एन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं रहते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे. ऐसा हमने सीखा है अभी तक. अब थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं कि ये जो शेल है या ये जो शेल है ये आगे भी डिवाइड होता है इनटू सब शेल. चलो अब इस फिगर में देखते हैं, ये सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल है, ये शेल आगे भी डिवाइड है इनटू वन सब शेल. नेक्स्ट शेल एन इक्वल टू टू, ये आगे भी डिवाइडेड है इनटू टू सब शेल. एन इक्वल टू थ्री, आगे भी डिवाइडेड है इनटू सब शेल थ्री. एन इक्वल टू फोर, आगे भी डिवाइडेड है इनटू सब शेल फोर. तो एन इक्वल टू वन है तो आगे एक ही सब शेल है, एन इक्वल टू टू है तो आगे टू सब शेल है, एन इक्वल टू थ्री है तो आगे थ्री सब शेल है, एंड सो ऑन. अब हमने कहा कि ये जो सब शेल हैं ये आगे ऑर्बिटल्स में भी डिवाइड रहते हैं, मतलब ये जो सब शेल है ये आगे ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है, ये जो सब शेल हैं ये भी आगे ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड हैं, ये जो सब शेल हैं ये भी ऑर्बिटल्स में, और ये जो सब शेल हैं ये भी ऑर्बिटल्स में फर्दर डिवाइडेड हैं. ओके, अब जैसे जैसे डिवीजन होती जा रही है हम उसको पर्टिकुलर नंबर्स देते रहते हैं, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एन की वैल्यू 1 है, जो कि आपका के शेल था, जो कि आपने यहाँ पे देखा था के एल एम एन 1, 2, 3, 4. तो अगर के एन की वैल्यू 1 है तो के है, एन की वैल्यू 2 है तो एल है, एन की वैल्यू 3 है तो एम है. एन इक्वल टू 1, सॉरी 3, 2 एंड 1. अब ये जो शेल है, ठीक है, ये फर्दर भी डिवाइडेड है, यही हमने कहा, और ये 2 वाला भी फर्दर डिवाइडेड है. तो जब ये सब शेल बना, इट गिव राइज टू ओनली 1 सब शेल, 2 वाला गिव राइज टू अनदर 2 सब शेल, 3 में दिस गिव राइज टू अनदर 3 सब शेल. तो ये आगे सब शेल्स में डिवाइडेड है. इसको हमने फिर से जो है नंबरिंग करनी शुरू कर दी, 0, 0, 1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन. फिर हमने कहा कि ये सब शेल है ये फर्दर ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है, तो ये आगे एक ऑर्बिटल बना रहा है, ये भी एक बना रहा है, ये आगे 3 बना रहा है, ये भी एक, ये आगे 3, ये आगे 5. तो बेसिकली हमने शेल से लेके अल्टीमेटली ऑर्बिटल तक पहुंच के यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में रहता है. ओके जी, चलो अब हमने क्वांटम नंबर कौन से दिए हैं, एन इक्वल टू 3, 2 एंड -2. चलो चलते हैं, एन इक्वल टू 3, दिस एन इक्वल टू 3, एल इक्वल टू 2, ये सारी वैल्यू एल की है, एल इक्वल टू 2 ये वाला, एम इक्वल टू -2, एम इक्वल टू -2, ये सारी वैल्यू एम की है, यहाँ पे लिखा भी है एम एल -2. कितने ऑर्बिटल्स आए, एक ही आया, यहाँ पर तो एक वैल्यू पे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो आंसर इज 1.